नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। उत्तराखंड के जोशीमठ में वाडिया इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसा खोज निकाला है जो वहां के गांवों को खुशहाल कर देगा और वहां के अंधेरे को भी दूर करेगा। जी हां, जोशीमठ में देश का पहला जियो थर्मल प्लांट लगने जा रहा है और वाडिया इंस्टीट्यूट ने जो रिसर्च किए है उससे ये पता चला है कि यहाँ के एक विशेष इलाके में ये जियो थर्मल प्लांट लगाया जाएगा। तो क्या है ये जियो थर्मल प्लांट और कैसे करेगा काम, आइए आपको बताते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। हिमालय की श्रृंखला में खूबसूरत झरनों की कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड में इन्हीं झरनों से अब बिजली पैदा करने की तैयारी है। ये योजना तैयार की है हिमालय और पर्वत श्रृंखलाओं पर काम करने वाले प्रतिष्ठित संस्थान वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान ने। वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान ने जियोथर्मल तकनीक के आधार पर न सिर्फ ऐसे झरनों की खोज की है बल्कि ग्रीन एनर्जी के रूप में जियोथर्मल एनर्जी का प्लांट स्थापित करने की तैयारी भी कर ली है। प्लांट की क्षमता 5 मेगावाट की होगी और ये हिमालय क्षेत्र का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्लांट भी होगा। हिमालय क्षेत्र के इस पहले जियोथर्मल एनर्जी प्लांट की क्षमता 5 मेगावाट तय की गई है। वाडिया संस्थान के निदेशक डॉक्टर कालाचांद साई ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि पावर प्लांट लगाने के लिए चमोली के जोशीमठ स्थित तपोवन के झरने को चुना गया है। यहाँ पर सतह का तापमान करीब 93 डिग्री सेल्सियस है जबकि जमीन के भीतर यही तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक है। पावर प्लांट लगाने के लिए जमीन में करीब 400 मीटर तक ड्रिल किया जाएगा और इससे गर्म पानी अधिक फोर्स के साथ बाहर निकलेगा। प्लांट के जरिए गर्म पानी की भाप से बिजली तैयार की जाएगी। पानी को बहस 70 डिग्री तापमान में ही उबालने वाली स्थिति में पहुंचाने वाले प्रोपेन और बाइनरी लिक्विड के मिश्रण का प्रयोग किया जाएगा। इसके पहले से अधिक गर्म पानी बिजली उत्पादन के लिए जल्द अधिक भाप पैदा करेगा। निदेशक डॉक्टर कालाचांद ने बताया कि संस्थान जियोथर्मल एनर्जी की दिशा में 10 सालों से शोध कर रहा था। जियोथर्मल तकनीक के जरिए इस काम को अंजाम देने में संस्थान के वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर संतोष कुमार राय और डॉक्टर समीर के तिवारी ने अहम भूमिका निभाई। प्रोजेक्ट तैयार करने की अवधि 5 साल रखी गई है। अगर वाडिया इंस्टीट्यूट ने इस प्रकार का कोई सर्वे किया है तो यह क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और 5 मेगावाट बिजली बहुत होती है इस क्षेत्र के लिए। तो जैसे जो टूरिस्ट पहुंचे बहुत सी बदली है वहाँ के लिए यदि कभी विद्युत न हो तो इससे पूरी की जा सकती है और ये प्रयास अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा है और ये सफल भी होना चाहिए प्रयास, क्योंकि इससे पूर्व भी कई प्रकार की योजनाएं वहाँ पर बनी हैं कि वहाँ पर हॉट स्प्रिंग कैंप वाटर कैंप बनाया जाए और अलग अलग से बाथरूम बने, टूरिस्ट जाएँ गर्म पानी का वो सेवन करें, गर्म पानी उनको वहाँ तक मिले। ये सब प्रकार की कई बार पर्यटन विभाग योजना बना चुका है। देखिए, जो अगर वाडिया इंस्टीट्यूट वहाँ पर जो है 5 मेगावाट बिजली बनाने की बात कर रही है तो ये क्षेत्र की जनता के लिए बहुत ही लाभदायक है और जैसे सुभाई वगैरह जिस क्षेत्रों में भविष्य बद्री वगैरह में जो विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती है तो वहाँ के लोगों को इससे काफ़ी फायदा मिलेगा और क्षेत्र की जनता इससे जरूर लाभान्वित होगी। वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर कालाचांद साई ने बताया कि 1970 में तपोवन के पानी का जो तापमान था वही आज भी बरकरार है। यहाँ के पानी में प्रति लीटर 30 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। इतना ही नहीं, इस बेहद खास झरने के पानी में बोरोन 600 से 30,000 माइक्रो इक्विवेलेंट, हीलियम 90 मिलीग्राम प्रति लीटर और लिथियम 50 से 3,550 माइक्रो इक्विवेलेंट जैसे तत्व भी हैं, जिसको संस्थान के वैज्ञानिक संरक्षित करने की तैयारी कर रहे हैं। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो जोशीमठ में हिमालयी राज्यों में पहला जियोथर्मल प्लांट बनने जा रहा है और जियोथर्मल प्लांट के बनने से इन इलाकों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। तो ऐसी ही तमाम खबरों को हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे और भी देश दुनिया की राजनीति, आर्थिक जगत, क्राइम और खेल और मनोरंजन जगत की खबरों को भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये सारी खबरें जानने के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर करना होगा। उसके बाद आप जुड़ जाएंगे दुनिया से हमारे जरिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।